फ्रेंड्स, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक एकदम अलग हट के रेसिपी। अक्सर हम अपने घर में ब्रेकफास्ट के लिए इडली बनाते हैं, वो इडली बच जाती है तो हमें समझ नहीं आता हम उसका क्या करें। तो मैंने आज लेफ्ट ओवर इडली से इडली मंचूरियन की रेसिपी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। ये मेरी इडलियाँ रखी हुई हैं, ये मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, ये आधा कटोरी मैदा है, थोड़ा सा मैंने लहसुन और अदरक क्रश किया है, और ये वाइट सेसमे सीड लिए है, ये एक शिमला मिर्च ली है कट करके, एक प्याज है, और ये थोड़ा सा मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब ये इस तरह से हम इडली लेंगे, इसको हम 4 टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। ये हमने अपनी इडली कट कर ली है, अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम इस तरह से एक खाली बोल लेंगे, इसमें हम मैदा डालेंगे। अब जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया है वो डालेंगे। एक चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे, नमक आप जिस तरह का खाते हो उस हिसाब से डालें। ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। डाल के अब हम इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। जब तक हम अपना बैटर बनाएंगे तब तक हम एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। तेल आप चाहें तो रिफाइंड या सरसों का तेल, जो आप पसंद करें वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह का बैटर हमें बनाना है, ये बहुत थिक नहीं होना चाहिए, बस केवल पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब हम इसमें अपनी इडली डिप करके फ्राई करेंगे। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। अब हम इस तरह से एक एक करके अपनी इडली लेंगे और बैटर में डिप करके ऑयल में छोड़ देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेंगे। अभी नहीं, हम गोल्डन ब्राउन होने तक का अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए हमारी इडली फ्राई हो चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तरह से जो हमारी बाकी बची हुई इडलियां हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हमारी इडलियां फ्राई हो चुकी हैं, अब हम सॉस बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये अदरक और लहसुन क्रश करके रखा है, इसको डाल देंगे। हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम ये शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करें।
अब हम इसमें अपने कुछ सॉस डालेंगे, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच डार्क सोया सॉस, दो बड़े चम्मच टमाटो केचप, एक चम्मच वाइट विनेगर, डाल करके हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। अब हम ये स्प्रिंग अनियन डाल देंगे, इसको हल्का सा पका लेंगे। ध्यान रखेंगे सब्जियों का क्रंच नहीं जाना चाहिए, इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें जो हमने सेसमी सीड लिया था वो डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है, इसलिए नमक हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसमें अपनी इडली डाल देंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, हमारा झटपट से इडली मंचूरियन बनकर तैयार हो गया। आइए अब हम इसे प्लेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इडली मंचूरियन बनकर तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।